अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन ये है कि राशिद इंगेज्ड अ लेबर फॉर 30 डेज ऑन द कंडीशन दैट ही विल बी पेड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर डे फॉर द एंड ही विल बी फाइंड RS 10 डे फॉर द डेज ही इज़ एबसेंट। If he received 1200 after 30 days, the number of days he was absent is, वो कह रहा है कि राशिद मज़दूर हायर करता है और वो कहता है कि अगर तुम 30 दिन काम करोगे तो मैं आपको एक दिन का 50 रुपया दूंगा, लेकिन उसने एक साथ कंडीशन लिख दी है कि अगर वो एक छुट्टी करता है तो 10 रुपये वो माइनस कर देगा उसमें से, और वो महीने के एंड पे उसे 1200 रुपया देता है। और वो उस क्वेश्चन में ये कहता है कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 50 × 30 इतने पैसे बनते हैं, 1500 पूरा। अगर महीना वो काम करता है तो हमारे पास 1500 बनता है, लेकिन उसने कुछ छुट्टियां की होंगी जिसकी वजह से उसे 1200 मिले हैं, तो हमने बताना है कि उसने कितनी छुट्टियां की हैं। अब लेट कर लेते हैं हम, एक्स जोन सा है, एक्स नंबर ऑफ डे ही वर्क, जितने दिन उसने काम किया है, लेट वर्किंग डे जोन से हैं उसके, वो है हमारे पास एक्स, और एब्सेंट जोन सा वो रहा है, एबसेंट वही है कि जितना उसने ये वर्किंग डेज 30 में से अगर हम ये जितना उसने काम किया जितने दिन वो माइनस कर दें तो हमारे पास बकाया एबसेंट रह जाएगा, कितने दिन वो एबसेंट रहा है। सही, तो अगर जो हमारे पास वर्किंग डेज की उसकी जौन सी मजदूरी है वो हमारे पास 50x है, जितने दिन उसने काम किया है उसको हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसके साथ हमारा जवाब, हमारे वो पैसे आ जाएंगे कि उसने इतने दिन काम किया तो इतने पैसे उसे मिले हैं। अब हम दे उसने कहा अगर वो छुट्टी करता है तो उसको 10 रुपये फाइन होगा, तो जो हमारे पास फाइन है हमारे पास वो है 30 − x, इतने दिन उसने अब छुट्टी की है उसको 10 रुपये उसका जो फाइन है वो हुआ है। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें बन गई हैं, ये नंबर ऑफ डेज जितना उसने काम किया है, जितने दिन वो एब्सेंट रहा है, और ये जितना उसे काम उसने किया है उसमें से उसे इतने पैसे मिले हैं, और जो फाइन उससे हुआ है वो ये है हमारे पास। तो टोटल रकम उसे कितनी मिली है, 1200, ये 1200 उसे टोटल रकम मिली है। वो टोटल रकम किस तरह मिली है कि उसने पहले ये उसे टोटल रकम मिली है जो प्रेजेंट रहा है, प्रेजेंट रहा है तो 50x ये उसकी प्रेजेंट वाली है, उसमें से हमने माइनस करना है, उसमें से हमने माइनस करना है ये जो सा उसका फाइन है वो हमने उसके अंदर से माइनस करना है, ये 30 − x और ये 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज ही एब्सेंट वो आ जाएगा हमारे पास, ये 1200 50x माइनस इससे हमने किया 300 माइनस प्लस 10x और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 15 = ये हमारे पास 60 हो जाएगा, 60x इसको जब हम करेंगे तो x = 1500/60, ये इसके साथ कट गया, और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इधर हल कर लेते हैं 156, दो बार 12 300 और
5 30, तो ये हमारे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 25। तो x हमारे पास कितना आ गया, 25। मतलब उसने जितने दिन काम किया है वो कितने, हमारे पास 25 दिन उसने काम किया है। तो नंबर ऑफ एब्सेंट कितना होगा, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। तो 5 दिन वो एब्सेंट रहा है, तो ये उस इसकी वजह से उसे 1200 रुपये मिले हैं। तो आप इस तरह ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते हैं।